Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. अनिल अंबानी के लिए दौर काफी बुरा चल रहा है। सर पर कर्ज बना हुआ है और अपनी ही कंपनियों को छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल की स्थिति यह है कि अनिल अंबानी की कंपनियों को खरीदने के लिए उद्योग जगत के बड़े बड़े लोगों की कंपनियों में होड़ सी लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए कुल 54 कंपनियों ने बोली लगाई है। खरीदारों की इस लिस्ट में अडानी फिनसर्व, KKR, पीरामल फाइनेंस, पूनावाला फाइनेंस और टाटा AIG जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन नामचीन नामों की लिस्ट में और भी बहुत लोग हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार ही अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दिया था। इस जानकारी को खुद रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शेयर बाजार को देते हुए कहा था कि गैर कार्यकारी निदेशक अनिल अंबानी सेबी के अंतरिम आदेश के बाद कंपनी के निदेशक पद से हट गए हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को गवर्नेंस में कमी और पेमेंट डिफॉल्ट के कारण RBI ने बीते साल 29 नवंबर को भंग कर दिया था। फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बोली जमा करने की आखिरी तारीख को 11 मार्च से बढ़ाकर 25 मार्च कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा बोलियां मिलने से उम्मीद है कि रिलायंस कैपिटल को अच्छे भाव मिल जाए, क्योंकि टेकओवर की दौड़ में गौतम अडानी और टाटा समेत कई बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि बोली लगाने वाली अधिकतर कंपनियों ने रिलायंस कैपिटल पर पूर्ण अधिग्रहण के लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI दिया है। बाकी कुछ कंपनियों ने रिलायंस कैपिटल की एक या फिर दो सब्सिडरीज के लिए बोली लगाई है। दरअसल बोलीदाताओं के पास दो विकल्प थे। वे चाहे तो पूरी RCL के लिए बोली लगा सकते थे या फिर NBFC कंपनियों में से किसी एक सब्सिडरी के लिए ऐसा कर सकते थे। बता दें, रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस शामिल हैं। बात रिलायंस कैपिटल के स्टॉक की करें तो NSE पर रिलायंस कैपिटल का शेयर 4.93% चढ़कर 14.90 रुपए पर आज बंद हुआ है। आगे भी इस स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है, ये तीसरी बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है यानी NBFC है, जिसके खिलाफ केंद्रीय बैंक ने दिवाला एवं इंसोल्वेंसी कोड के तहत कार्रवाई शुरू की है। रिलायंस कैपिटल की स्थापना 1986 में हुई थी और 2022 में ये बिकने जा रही है। बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए बने रहें दस्तक के साथ।